दोस्तों अभी अभी बड़ी न्यूज निकल के आ रही है, आज ही निपटा ले पैसे से जुड़े सारे काम, अगले 2 दिन रह सकती हैं बैंक बंद। अगर आपको बैंकिंग से जुड़ा कोई भी काम है तो आप सोमवार को ही निपटा ले, यानी आज ही निपटा लें। ऐसा करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा क्योंकि इस हफ्ते 2 दिन बैंकिंग सेवा पर बुरा असर पड़ने की आशंका है। इसकी वजह यह है कि सरकारी बैंक कर्मचारी संगठन के एक ग्रुप ने अगले हफ्ते मंगलवार बुधवार को हड़ताल करने का आह्वान किया है। सरकारी कर्मचारियों का कहना है कि सरकार जो कह रही है वह नहीं कर रही है। ये लोग 2 दिन का देशव्यापी हड़ताल करना चाहते हैं और इस हड़ताल को करने के लिए जगह जगह से सरकारी कर्मचारी का समर्थन भी मिल रहा है। और दोस्तों इस हड़ताल में बहुत सारे बैंक शामिल हैं और हो सकता है जो आपके मार्केट में बैंक है वो भी शामिल हो। अगर दोस्तों यह 2 दिन का हड़ताल हुआ तो कुछ शाखाओं के कामकाज पे बहुत ही बुरा असर पड़ेगा। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि हड़ताल की असली वजह क्या है। दोस्तों सरकारी कर्मचारियों का कहना है कि जो हमारी मजदूरी है कम से कम उसको 18,000 किया जाए और बेरोजगारों को रोजगार मुहैया कराया जाए, इसी को लेकर हड़ताल होने वाली है और इस हड़ताल को कांग्रेस पूरी तरह से समर्थन कर रही है। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए क्या 2 दिन बैंक बंद होना चाहिए, इसका कोई दूसरा भी सलूशन तो हो सकता है। प्लीज कमेंट करके बताना यस या नो में। और दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि आगे भी आपको इसी तरह की नई नई वीडियो मिलने वाली है। दोस्तों आपने मेरी वीडियो के लिए इतना समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।